नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सभी जुड़ जाइए, क्लास कंटिन्यू करते हैं अपन। आज की कंप्यूटर की क्लास, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस। उसके बाद अपन आउटपुट देखेंगे, कौन कौन से डिवाइस है, उसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां है तो अपन डिस्कस करेंगे। आज का जो पॉइंट है आपका, इनपुट और आउटपुट दोनों ही पढ़ेंगे। इनपुट के अंदर कौन कौन से उपकरण है, आउटपुट के अंदर कौन कौन से उपकरण है, उसके क्या क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो सारी चीज बिल्कुल ही ढंग से डिस्कस करेंगे। और अपने पास में साथ में स्लाइड भी बनाई है मैंने, तो उसको भी आपको चित्र के माध्यम से भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें, अपने मित्रों को क्लास को शेयर कर दें, सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच सके। तो आज शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस। आप सबको पता है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बार कोड रीडर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, ये सारे हैं ना, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है कि ये कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा प्रोसेस करते हैं, इंटर करते हैं, वो क्या होता है, इनपुट होता है। जैसे मान लीजिए आप कीबोर्ड के जरिए आप कोई भी फंक्शन की है, या फिर आप कोई भी की प्रेस करके उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप ऐसा करने के लिए कह रहे हो, तो उस हिसाब से जैसे आपने शिफ्ट दबाया, इंटर दबाया, ऐसे आप जैसे माउस का यूज करते हैं तो कर्सर की सहायता से जैसे आप कोई नई फाइल को ओपन करते हो, तो वो एक तरह का क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर का, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर की, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको आप निर्देश देते हो कि ऐसा कार्य हो। और निर्देश देने के बाद में जो प्रदर्शित होता है वो आपका आउटपुट होता है। तो निर्देश देने का काम होता है वो किसका होता है, इनपुट का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके कई बार सीधा ही पूछते थे कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है, कौन सी आउटपुट है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, वो इतना टफ टॉपिक नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अपना अलग अलग करके पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में के कर्सर डिवाइसेस कौन सा होता है, स्कैनर कौन सा होता है, ठीक है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है, और टेक्स्ट डिवाइसेस कौन सी होती है, सारी चीजें अपना अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एक एक करके बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी जुड़ गए हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बिल्कुल सभी जुड़ जाइए फटाफट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए जुड़ जाइए फटाफट, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी जुड़ रहे हैं, सभी जुड़ जाइए फटाफट, जुड़ जाइए। आज की क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं। आवाज कैसी आ रही है बताइए मुझे कमेंट करके, आवाज स्पष्ट आ रही है आपको, डिस्प्ले अच्छे से दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आप कमेंट करके बताइए। एक बार कर दीजिए आप थम्प, ताकि क्या है कि बीच में आपका डिस्टर्ब नहीं हो। तो फटाफट आप थम्प कर दीजिए सर, आवाज क्लियर आ रही है बता दीजिए कोई भी एक। ओके, चलिए चलते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो आपका इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस को मैं थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ, फिर अपन एक एक करके इसको देखेंगे। एक बार क्या करते हैं अपन इसका अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। प्रकार का मतलब वही है, इसके अंदर आपको यू नहीं पूछे, लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, जैसे पूछ ले कि टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने क्या दिया, इसको अलग अलग ही कर दिया सब कुछ को, सभी को मैंने अलग अलग बांट दिया। देखिए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले टैक्स इनपुट डिवाइस कौन सा आता है, टैक्स इनपुट डिवाइस, देखिए इधर, टैक्स इनपुट
डिवाइस। पहला कौन सा हो गया, टैक्स इनपुट डिवाइस, ठीक है, और सेकंड है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस थर्ड है आपका, देखिए फर्स्ट हो गया टैक्स इनपुट डिवाइस, सेकंड है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, और थर्ड है आपका स्कैनिंग डिवाइस। कौन सा, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग, स्कैनिंग डिवाइस, ठीक है। देखिए टैक्स इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, ये सारे इनपुट है आपको, कहीं ऐसे नहीं है कि आप प्रकार याद कर लो, आपको केवल मैं थोड़ा सा सिंपल बता रहा, आपको आता है मुझे पता है, सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा। अगला है इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, इमेज कैप्चरिंग इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, ठीक है, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। तो देखिए इधर चार प्रकारों के आधार पर मैंने बांटा है, टैक्स इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। कोई दिक्कत, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, ठीक है, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ध्यान रखना, कैप्चरिंग सी यू नहीं है, ठीक है, चलिए इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। तो देखिए अपन देखते हैं चारों के अंदर कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस आएंगे। तो देखिए सबसे पहले टैक्स इनपुट डिवाइस, आप बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा आएगा, टैक्स इनपुट डिवाइस में कौन सा आएगा, फटाफट बताइए टैक्स इनपुट डिवाइस में कौन आएगा, सबसे पहले मुझे बताइए टैक्स इनपुट डिवाइस में, कमेंट करिए फटाफट टैक्स इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, टैक्स इनपुट डिवाइस। अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, फटाफट आप बताइए टैक्स इनपुट डिवाइस में कौन सा आएगा। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहे हैं, तो बताइए बाकी वाले कमेंट करिए, भूपेंद्र कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, कीबोर्ड बहुत बढ़िया, सभी का कीबोर्ड आ रहा है बहुत बढ़िया। तो किस क्या आएगा इसमें, कीबोर्ड क्या आएगा, कीबोर्ड, ध्यान रखिए टैक्स इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड। अगला बताइए पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, फटाफट कमेंट करिए, हाँ माउस, बहुत बढ़िया, पहला माउस हो जाएगा, दो तीन डिवाइस है, ध्यान रखिए एक डिवाइस नहीं है, एक आपका माउस हो गया। अगला बताइए, अगला बताइए माउस हो गया इसके बाद में कौन सा होगा, फटाफट बताइए, माउस हो गया, उसके बाद में टच स्क्रीन, ध्यान रखिए क्या होगा, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। और बताइए, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, अगला बताइए एक लाइट पेन और आता है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट पेन, वो भी टच स्क्रीन है, लाइट पेन। और एक और है, आप बताइए जो मैंने बताया था छोटे बच्चे उसको गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट, छोटे बच्चे उसको गेम खेलने के लिए प्रयोग में लेते हैं, उसका नाम बताइए, कमेंट करिए, टच स्क्रीन में लिख दिया है। हाँ छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए जो काम में लेते हैं, बताइए उनका नाम क्या है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, जॉयस्टिक, क्या होता है जॉयस्टिक, सबके फोटो बताऊंगा अभी आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, जॉयस्टिक, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सारे क्या है, ये सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है, पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्रसर होता है, देखिए लाइट टच स्क्रीन में आप हाथ से या किसी पेन से आप टच करके चलाते हो, लाइट पेन भी वही होता है, आगे से उसकी कहने का मतलब लाइट जैसा होता है, उसको टच करते ही स्क्रीन चलती है, जो स्टिक ये भी क्या होता है, गेम खेलने के लिए काम आता है, 3D गेम बच्चे खेलते हैं तो इसमें काम आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया,
इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगला आपका स्कैनिंग डिवाइस, बताइए स्कैनिंग डिवाइस में कौन कौन आएगा, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले आता है ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल का मतलब जैसे अपन काम में लेते हैं वो स्कैनर, तो देखिए पहला आ जाएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर। तो पहला कौन सा हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनर, और एक आपका होता है बीसीआर, बार कोड रीडर, क्या होता है एक हो जाएगा आपका बीसीआर बार कोड रीडर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान रखिए बार कोड रीडर, ठीक है बार कोड रीडर बीसीआर। तो ऑप्टिकल स्कैनर जिसको अपन पढ़ेंगे इसके दो प्रकार होते हैं डिस्कस करेंगे, एक पोर्टेबल होता है एक दूसरा जो होता है जिसको पोर्टेबल नहीं कर सकते वो आपका ऑप्टिकल स्कैनर। तो दो प्रकार है ऑप्टिकल स्कैनर और बीसीआर बार कोड रीडर, ये आपके स्कैनिंग डिवाइस। और अब मुझे बताइए इमेज कैप्चरिंग डिवाइस में कौन आया, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस फटाफट कमेंट करके बताइए इमेज कैप्चरिंग डिवाइस क्या आएगा। इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस, ठीक है इमेज कैप्चरिंग डिवाइस को बताइए, डिजिटल वीडियो कैमरा आता है वो आपका किसमें आ जाएगा इमेज कैप्चरिंग, यानी इमेज को कैप्चर करने के काम आता है, तो कौन सा हो जाएगा इमेज कैप्चरिंग डिवाइस के अंदर जो कैमरा आता है जो वीडियो कैप्चरिंग के लिए काम आता है, तो उस कैमरे को अपन इमेज कैप्चरिंग डिवाइस में रख सकते हैं, उस कैमरे का नाम है डिजिटल वीडियो कैमरा, ध्यान रखिए डिजिटल वीडियो कैमरा, बहुत बढ़िया डिजिटल वीडियो कैमरा, ठीक है डिजिटल वीडियो कैमरा ये आप ध्यान रखिए इस तरह से, बहुत बढ़िया डिजिटल वीडियो कैमरा। राजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है राजेंद्र सिंह, आप भी आगे हमेशा जुड़ते रहिए क्लास से बेनिफिट लीजिए, आप जयपुर से जुड़े हो अपने सारे मित्रों को क्लास आप शेयर जरूर करें, बहुत बढ़िया। चलिए डिजिटल वीडियो कैमरा, इस तरह से हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया इनपुट डिवाइसेस का, टैक्स इनपुट डिवाइस कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हमने माउस पढ़ा, टच स्क्रीन देखा हमने, लाइट है और जो स्टिक, इसके बारे में अपन देखेंगे विस्तार से आपको एक बार मैंने सब क्या कर दिया अलग अलग क्लासिफिकेशन। अब कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस, आपको सारी ये याद रखनी है सारी क्या है इनपुट डिवाइसेस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे बोल दे कि कौन सी स्कैनिंग डिवाइस है तो आपको केवल स्कैनिंग सिलेक्ट करनी है, आपको बोल दे कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस तो पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी इमेज कैप्चरिंग डिवाइस हो तो वो इमेज कैप्चरिंग डिवाइस है। तो कहने का मतलब है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, अब अपन एक एक करके इन सब डिवाइसेस को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग डाल दीजिए कीबोर्ड, अपन क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कीबोर्ड है, तो इनपुट डिवाइसेस में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कीबोर्ड, टेक्निकल टीम आप भी कीबोर्ड को प्रदर्शित कर दीजिए ताकि एक बार आप सभी देख सकते हो, कीबोर्ड आपके सबके देखा हुआ लेकिन कई बार अपन ध्यान नहीं रखते हैं और किस्म गलत हो जाता है, आज अपन देखेंगे कौन सा कौन कौन से फंक्शन की होती है, ठीक है सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है सबसे पहले अपन देखते हैं कीबोर्ड, बहुत बढ़िया चलिए आपको दिख रहा है बोर्ड पे मेरे
कीबोर्ड को प्रदर्शित किया है, आप सभी देखिए। कीबोर्ड के बारे में छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में पहला ही पॉइंट क्या है, ये टेक्स्ट इंटर करने वाला थिंग। कहने का मतलब है इससे क्या है, आपको मैंने बताया टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। तो पहला ही पॉइंट क्या है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, यानी इसके माध्यम से क्या डाले जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, टेक्स्ट को इंटर किया जाता है और कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं। पहला आपको ध्यान रखना टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंप्यूटर, जैसे कोई भी कंप्यूटर है तो इसमें अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड यूज में लेते हैं। कई बार जनरली होता है आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी के अच्छे कंप्यूटर, ये कीबोर्ड आ गए, वायरलेस कीबोर्ड आ गए, वायर की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो क्या होता है, इसमें वायर लगता है जो अपन सीपीयू से इसको कनेक्ट करते हैं। तो आजकल क्या हो गया, इतने अच्छे लेवल के आ गए हैं जिसके अंदर वायरलेस कीबोर्ड आ गए। तो सबसे पहले इस बोर्ड को देखिए, आप कीबोर्ड को सभी देखिए, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर इसको आप जो ऊपर ऊपर की नजर आ रही है, इस की को अपन बोलते हैं ना, ऊपर से नंबर डाल करके F1 F2 F3 F12 तक है, कहां तक है, ऊपर ऊपर देखिए F1 F2 F3 इस तरह से कहां तक है, F12 तक आपको नजर आ रही है कि ऊपर ही ऊपर कंप्यूटर के अंदर। ये जो की है, इस की का क्या नाम बताइए कमेंट करके फटाफट। हो ऊपर जो दिख रही है आपको सारी की को ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर आपको नजर आ रही है सारी की सारी क्या है, बताइए ऊपर ही ऊपर आपको नजर आ रही है की को क्या बोले हैं। ये सारी फंक्शन कुंजी है, फंक्शन की है, बहुत बढ़िया है। वन से एफ 12 तक फंक्शन की, बहुत बढ़िया। संजय ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है, फंक्शन की है। कौन सी की है, फंक्शन की। इन की का क्या नाम है, फंक्शन की। कौन सी की है, फंक्शन की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको कपड़े क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर की मान लीजिए ये पूरी की पूरी जो कुंजियां है, अधिकांश कुंजियां है, इसको एक वर्ड में क्या नाम देते हैं, अपन बोलते हैं ये जो सारी की सारी कुंजियां है, कीबोर्ड की जो कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियां, इसको एक वर्ड में एक नाम दिया जाता है, उस नाम का आप एक वर्ड में अपन इसको क्या बोल सकते हैं। कई बड़े अक्षरों में होती है, कोई शायद छोटे अक्षरों में लिखी होती है, सारी जो कुंजियां है इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको एक वर्ड में बोलते हैं कवर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, QWERTY, ये वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको क्या बोलते हैं, कवर्टी। सारी फंक्शन की वो उस बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, इन सब फंक्शन की वो एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कवर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवर्टी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन सभी की को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कवर्टी बोलते हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड के अंदर कई सारी कंट्रोल कुंजियों का भी प्रयोग किया जाता है। आपको बताया सब, आप बीच में देखिए आपको शिफ्ट नजर आ रहा है, सबको शिफ्ट की है, इंटर की है, कैप्स लॉक है, कंट्रोल की है, अल्टर की है। तो देखिए सारी जो की नजर आ रही है आपको, मैंने दर्शाया है, आप देखिए इसको ढंग से, सारी चीज आपको नजर आ रही है अच्छे से, आप देखो इसको, देखिए एक तो शिफ्ट की, शिफ्ट की, ठीक है। इसके बाद में इंटर की, ठीक है, शिफ्ट की, इंटर की। इसके बाद में कैप्स लॉक, ठीक है। इसके बाद में देखिए शिफ्ट की, इंटर की, कैप्स लॉक, इसके साथ साथ में कंट्रोल की बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए कंट्रोल की, कंट्रोल की, कंट्रोल को शॉर्ट में लिखो CTR है, इसको क्या बोलते हैं, CTR। शिफ्ट की, इंटर की, कैप्स लॉक, कंट्रोल की, ये जो सारी की दिख रही है
ये जो की आपको दिख रही है बीच में सब आप जानते हो, बीच में सारी की नजर आ रही है, एंटर की बोल दू, कंट्रोल की बोल दू, शिफ्ट की बोल दू, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर संचालन में सारी कंट्रोल कुंजियां हैं, आप ध्यान रखिए कंट्रोल कुंजियां, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक बोर्ड लिख दीजिए अल्टर की, ठीक है, एएलटी अल्टर की। ये सारी कंप्यूटर की क्या है, कंट्रोल की है, क्या है, कंट्रोल की। बहुत बढ़िया, सभी जुड़ जाइए, ये सारी क्या है, कंट्रोल की है, ध्यान रखिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कंट्रोल की, आपको नजर आ रही है कंट्रोल की, मैंने आपको कीबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो ये सारी कौन सी की है, कंट्रोल की है, ध्यान रखिए। और कंट्रोल की क्या करती है आपको पता है, सभी की को किसी की के साथ में दबाया जाता है, जैसे मान लीजिए शिफ्ट के साथ में आप यूज करते हो, जैसे आपने शिफ्ट के साथ में आप यूज कोई अंक लिखते हो दबा करके, कंट्रोल के साथ में इसको यूज करते हो, अल्टर के साथ में करते हो, एंटर भी दबाते हो, ये सारी क्या है, कंट्रोल यूनिट। अपन पढ़ेंगे आगे शॉर्टकट, जो कंट्रोल जो की है इनको अपन जो शॉर्टकट की है वो सारी की देखेंगे, तो उसमें आपकी चारों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपको एक बार ध्यान रखनी, कीबोर्ड के अंदर ये कंट्रोल की है। इसके बाद में कीबोर्ड का दायां भाग आपको नजर आ रहा है, और कीबोर्ड के दायां भाग में क्या है मुझे कमेंट करके बताइए, कीबोर्ड के दायां भाग में क्या है, कीबोर्ड के दायां भाग के अंदर आपको पता है सारी की सारी कौन सी की है, कर्सर की नजर आ रही है आपको, आ रही है, बीच में डायरेक्शन की नजर आ रही है आपको, डायरेक्शन की नजर आ रही है, एरो बन रहा ऊपर नीचे दाएं बाएं नजर आ रहा सबको, अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। बीच में आपको नजर आ रहा है तीनों प्रकार की, थोड़ा सा इसको बड़ा हो तो बड़ा करिए, थोड़ा सा इसको आप बड़ा करिए, नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल अल्टर की है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए, ठीक है। तो बाई साइड क्या है, सारी की सारी नंबर की है, कौन सी की है, नंबर नजर आ रहे हैं आपको, बाई नंबर की, और नंबर की के बाद पास में क्या है, एरो की नजर आ रही है आपको, ठीक है, पास में क्या नजर आ रही, एरो की, ये आपको ध्यान रखना है, सारी एरो की बोल सकते हैं, जिसमें अप डाउन लेफ्ट राइट सारे प्रकार है इसके अंदर, ठीक है। और दाएं भाग में न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की नंबर वाली नंबर जो की है वो आपके दाएं भाग में, नंबर की, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बीच में आपके सारी आपको नजर आ रही है, ये आपकी अल्फाबेटिक की है, ऊपर आपको कई सिंबलिक सिंबोलिक की दे रखी है, नंबर की है ये भी, और सबसे ऊपर मैंने बताया फंक्शन की है, F1 से लगा करके 12 तक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल की है और कुछ लॉक्स की भी है, तो आपको सारे जो प्रकार नजर आ रहे, ये साइड में आपको देखिए दाई और सबसे ऊपरी ऊपर दिख रहा है, ऊपरी ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, ये आपके सारी लॉक्स की है, ऊपरी ऊपर तीन की नजर आ रही है, बाई और ये तीन ऊपर नजर आ रही है, ये सारी क्या है, लॉक्स की है, क्या है, ये लॉक्स की है कंप्यूटर की। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अच्छे से इसको देख लो, यही आपका पूरा का पूरा क्या है, कीबोर्ड है, अच्छे से आप इसको याद रख सकते हो, याद रखने में क्या है, वैसे आप डेली काम करते हो कंप्यूटर से, आजकल फोन पे भी सारी जो टच स्क्रीन है उसी टाइप से है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मुझे जोर देने की जरूरत नहीं है आपको, मैं फंक्शन की ये छोटी छोटी जानकारी ही कीबोर्ड के बारे में ध्यान रखा, ठीक है, ज्यादा इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी लाल जी लेट कैसे हो रहे हो, पीछे मत रहिए, क्लास को क्लास के टाइम अटेंड करिए, आपका 8 बजे के बाद में शुरू होता है, पूरे दिन पर पढ़ाई करिए, 8 बजे के बाद का जो समय है 2 घंटा आपके मनोरंजन का समय है, आपको लगे कि आप खाना खाते हुए भी क्लास देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट बाद में करना तो तू भी कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो तो आप बाद में नोट कर ले, तो कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय मैंने ऐसा सेलेक्ट किया ताकि आपके बीच पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो चलिए कीबोर्ड के अंदर कोई आपकी समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आप सबके देखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस इंजॉय के साथ में स्टडी करिए, कभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड डिवाइसेस की ओर आते हैं, आपका माउस हेडिंग डालिए माउस, सेकंड आपका इनपुट डिवाइसेस है माउस,
तो सेकंड आपका डिवाइसेस है माउस, हेडिंग डाल ये सारे माउस। माउस ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है माउस किस तरह का है, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइसेस। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ध्यान देखिए सबसे पहला है वो है आपका माउस। कैसा है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा है? पॉइंटिंग डिवाइस। ओके ओके बहुत बढ़िया, समय पर ही आए हो। अभी मैंने नीचे कमेंट देखा था कि स्वागत है, तो मैंने सोचा कि अभी चूहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आकृति चूहे जैसी होती है, इसलिए नाम ही इसका क्या रखा? माउस रखा है। ठीक है, प्रदर्शित करिए माउस को। तो मानव हथेली की समान देखने में चूहे जैसा छोटा बॉक्स होता है। आजकल आपको पता है कि जो लेजर के द्वारा कनेक्ट होने वाला भी माउस है, पहले क्या होता था ये वायर से कनेक्ट होता था और इसके माध्यम से ये सीपीयू में लगता था, लेकिन आजकल क्या है? वायरलेस आ गया है, वायरलेस माउस आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपका माउस है, बिल्कुल दालाराम बिश्नोई नमस्कार। तो देखिए आप जलाराम जी बिश्नोई जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे। तो देखिए ध्यान रखना ये क्या है? एक कर्सर। ध्यान देखिए माउस को एक कर्सर, देखो एक इसका सिंबल होता है आगे से, इस तरह से आपने देखा होगा, इसको कर्सर की बोलते हैं, कर्सर। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह से इसका सिंबल होता है, जहां पर भी चलता है इस टाइप की आकृति होती है, कर्सर जैसी आकृति होती है, जहां पर भी इस कर्सर को आप क्लिक करते हो तो आगे निर्देश मिलते हैं और फंक्शन की जो भी होता है आगे ये खुल जाता है। ठीक है, तो छोटा सा बॉक्स होता है और टेक्स्ट को एडिटिंग भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, और जहां भी क्लिक करोगे तो आसानी से ये खुल जाएगा। अलग अलग प्रकार होते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी आगे है कई सारे ऐसे माउस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है माउस महत्वपूर्ण आपकी इनपुट डिवाइसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंटिंग उपकरण है और स्क्रीन पर इसको कर्सर के माध्यम से स्क्रीन पर इसको कंट्रोल किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है मानव जैसे हथेली जैसी इसकी आकृति है और ये दिखने में चूहे जैसा दिखता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया माउस। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, आप सबके पता है जहां भी आपको कोई फंक्शन या डॉक्यूमेंट आपको क्लिक एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना है तो आसान से आप क्लिक करके उसको कॉपी और पेस्ट करके ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अंदर दो तरह की क्लिक है, बिल्कुल बढ़िया, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। वैसे आपको ध्यान रखना है अधिकांश, ध्यान देखिए जैसे मैं आपको नजर आ रहा है ये माउस, तो माउस में अपन जैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए राइट हैंड से आप यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखिए अधिकांश, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपको खोलना है तो ध्यान देखिए आपकी जो लेफ्ट जो है ना, आपको ध्यान रखना लेफ्ट लेफ्ट की ओर क्लिक करते हैं। देखिए अधिकांश आपको ध्यान रखना माउस को किस ओर क्लिक करते हैं? लेफ्ट ओर। आपने कभी माउस हाथ में पकड़ा होगा तो दोनों तरफ क्लिक होता है और बीच में एक स्क्रॉल होता है, गोल गोल आपकी स्क्रॉल होता है, जिसको आप खींचोगे तो कोई भी जैसे फाइल है ऊपर से नीचे होती है। आपको बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रॉल होता है, साइड में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दाएं बाएं खिसका सकते हो, मॉनिटर बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं, तो इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसी तरह से इसके बीच में आपको नजर आ रही है एक गोल सी आकृति नजर आ रही है, तो इसको अपन घुमाते हैं तो फाइल ऊपर नीचे होती है, इन्हें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्लिक होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्लिक होता है। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना लेफ्ट, ध्यान देखिए लेफ्ट की को ही काम लेते हैं, जैसे कोई फाइल खोल ली तो आपको दो बार लेफ्ट की को क्या करना है? क्लिक करना। ध्यान देखिए लेफ्ट की को कितनी बार क्लिक करना? दो बार। और वैसे जो राइट क्लिक है वो आपको जैसे मान लीजिए कोई ओपन करना है तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए आपको विंडो ओपन करना है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करके देखना है, उसको आप राइट क्लिक करोगे। वैसे अधिकांश आपके लेफ्ट की ही काम आती है, कोई भी फंक्शन आपको खोलना है तो काम क्या आता है? आपके लेफ्ट की। ठीक है,
तो बीच में आपका स्क्रॉल होता है जिसको आप क्या करते हैं ऊपर नीचे खिसकाने के लिए काम करते हैं। साइड में आपको पता जहां पे आपको मॉनिटर की स्क्रॉल होती है वहां पर आप कर्सर को ले जा करके आप इसको दबाइए इसको घुमाइए तो ऊपर नीचे हो जाएगी। जितनी स्क्रीन खुलेगी आपको पता है साइड में जो जितना स्क्रॉल बार दे रखा उस हिसाब से उतना आपका खुल जाएगा। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा है माउस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसी तरह से क्योंकि माउस आपने देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। चलिए अगले अपन इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, वो है आपका जॉयस्टिक। हेडिंग डालिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हेडिंग डालिए जॉयस्टिक। धीरे धीरे आपके आगे आप चलते जाओगे अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। आपको क्या है जनरली मैं अभी तक इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा आपने इतना कोई टफ नहीं लेके आए, तो धीरे आपको आगे बहुत बढ़िया उनको पढ़ना है। जॉयस्टिक इसको आप बताइए लोगों के देखा हुआ नहीं है, जॉयस्टिक इसको आप प्रदर्शित कीजिए। ये क्या होता है आपको बताऊं मैं, ये भी एक ऐसा कर्सर कंट्रोलिंग उपकरण होता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कहते हैं बच्चे कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह भी क्या है कर्सर कंट्रोलिंग उपकरण, ध्यान रखिए यह भी कर्सर कंट्रोलिंग उपकरण है। कर्सर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग उपकरण, ठीक है। और इसका प्रयोग कहां होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर गेम खेलने के लिए काम आता है। कंप्यूटर गेम खेलने, कंप्यूटर गेम खेलने में इसका प्रयोग करते हैं जॉयस्टिक का। नजर आ रहा है जॉयस्टिक, आप देखिए आपने देखा होगा जॉयस्टिक, समझ गए ना। कंप्यूटर गेम खेलते बच्चे पास में बैठते हैं, इससे के द्वारा कंट्रोल होता है और इसी के माध्यम से आजकल रिमोट वाली जो गाड़ियां आती है तो उसी को भी बच्चे खेलते हैं। जैसे ड्रोन, ड्रोन कैमरा देखा होगा आपने, तो ड्रोन कैमरों को भी वो इसी के माध्यम से संचालित करने, ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, तो ये इसी द्वारा पॉइंट जुड़ा हुआ रहता है, इसी टाइप का है ये आपका जॉयस्टिक। यानी इसको कंप्यूटर गेम खेलने के लिए काम लेते हैं। कर्सर कंट्रोलिंग यूनिट होता है, यानी ये भी कर्सर के द्वारा कंट्रोल होता है। इसकी क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोलिंग उपकरण बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक ही ध्यान रखना, इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। और आपको पता है इसके अंदर इसी तरह की एरो होती है, जैसे एरो होता है कीबोर्ड के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसी टाइप की गेम खेलने के लिए कीबोर्ड की तरह इसमें एरो की के समान कार्य होता है। जैसे एरो की से करते हैं, जैसे कार से अपन गेम खेलते हैं, चारों एरो की का आप यूज कर सकते हो, इधर उधर करना, ऊपर नीचे करना, तो आप अच्छे से कर सकते हो। हाँ, पबजी में भी काम आता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गेम के लिए है, आप ध्यान रखिए, पबजी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जॉयस्टिक जिसकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, आपने ज्यादा इसका यूज नहीं किया, कभी खेला नहीं, इसलिए अपने लिए नया है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में आपको पूछ लेगी जॉयस्टिक, नाम ही नहीं सुना, तो आपको ये ध्यान रखना ये इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला हेडिंग डालिए स्कैनर, ये भी आप भली भांति जानते हो स्कैनर। स्कैनर हेडिंग डालिए, अपने स्कैनर देखेंगे, स्कैनर की कौन कौन से प्रकार भी होते हैं, कई सारे आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी कई सारे आ गए हैं स्कैनर, तो स्कैनर हेडिंग डालिए स्कैनर। स्कैनर देखिए आप स्कैनर को थोड़ा सा प्रदर्शित कीजिए, देखिए इधर आपको पता है स्कैनर क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर। देखिए मैन क्या होता है, इसके अंदर जो किरणें होती, ऑप्टिकल जो किरणें होती, इसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फॉर्मेट को आप स्कैन करते हैं, और स्कैन करके उसको आप एक जगह से दूसरी जगह इसको अपन भेज सकते हैं, चाहे सॉफ्ट कॉपी या किसी भी तरह में, तो आप ईमेल के जरिए इसको भेजते हो, तो स्कैन करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, स्कैन करके आप ईमेल के जरिए इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो आपको पता है, देखा है सबने स्कैनर, आप देख लीजिए, नहीं देखा है तो ध्यान रखिए ये क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ध्यान रखिए क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है।
ऑप्टिकल स्कैनर आपने कभी देखा होगा, जैसे ही अपन इसको बंद करके स्कैन करते हैं तो एक जिस तरह से कॉपी करते हैं उसी टाइप से इसकी जो किरणें चलती है उस किरणों के माध्यम से क्या हो जाता, कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर है और इसके माध्यम से आप इमेज ले सकते हो, हाथ से लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और वैसे ये फोटोकॉपी मशीन के समान ही होता है, ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोकॉपी मशीन के समान। कैसा होता है, फोटोकॉपी मशीन के समान, फोटोकॉपी मशीन के समान। ठीक है, फोटोकॉपी मशीन के समान ही होता है और लेजर तकनीक पर चलता है। कौन सी तकनीक, लेजर पर, ध्यान रखिए महत्वपूर्ण, मैंने अभी बताया आपको ये कौन सी तकनीक पे काम करता है, लेजर पर करता है। जिस तरह से अपन पढ़ेंगे लेजर तकनीक क्या होती है, और अपन प्रिंटर भी पढ़ेंगे, चार पांच प्रकार होते हैं प्रिंटर के, तो पांचों ही प्रकार अपन देखेंगे प्रिंटर के कौन कौन से है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको चित्र के माध्यम से भी नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी भी कई प्रकार होते हैं। आजकल क्या है कि कई अलग अलग टाइप की स्कैनर आ गए, लेकिन मेरे को जहां तक जानकारी इसकी मैंने दो प्रकार के पढ़े हैं। एक तो क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक होता है पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर क्या होता है, जिसको आराम से अपन इसको फोल्ड कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, इस टाइप का स्कैनर होता है। और जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है ये फोटोकॉपी मशीन के समान होता है। ठीक है, और पोर्टेबल स्कैनर होता है हाथ में पकड़ने वाला होता है, बिल्कुल पोर्टेबल होता है। आज जैसे देखते हैं अपन जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर आजकल बिल्कुल पतली जो एलसीडी आ गई है, पहले बहुत बड़ा मॉनिटर होता था, इसके अंदर कैथोड रे किरणें होती, मैं आपको बताऊंगा कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको इसकी दो प्रकार ध्यान रखना, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर। देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, पहला जो प्रकार है फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा होता पोर्टेबल, पोर्टेबल स्कैनर। अब देखिए पोर्टेबल स्कैनर तो आपको पता है, इसको अपन हाथ में रख सकते हैं, हाथ में रख करके आराम से इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टेबल में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, पोर्टेबल है। ठीक है, आप जैसे फाइल होती है उस फाइल टाइप से इसको पकड़ के आप एक स्थान से दूसरे। ये क्या होता है, फ्लैट बेड क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है, जिस तरह से फोटोकॉपी मशीन होती है, तो फोटोकॉपी मशीन जितना बड़ा होता है तो अपने इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की रहती है असुविधा होती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो पोर्टेबल है ये बिल्कुल आज जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पोर्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, तो स्कैनर आपको पता है ऑप्टिकल स्कैनर होता है, फोटोकॉपी मशीन के समान होता है, लेजर तकनीक पे काम करता है, इसके दो प्रकार है जो संबंधित है, इसके दो प्रकार है। ठीक है, इसी क्रम में अगले अपन इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो वो है आपका बार कोड रीडर, बहुत ही महत्वपूर्ण है बार कोड रीडर। देखिए बार कोड रीडर क्या होता है, आजकल हर जगह आपको पता है बार कोड आते हैं। ठीक है, तो बार कोड को पढ़ने के लिए काम आता है बीसीआर, बार कोड रीडर। देखिए बीसीआर, बीसीआर बार कोड रीडर, बारकोड रीडर। देखिए बीसीआर बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है कि ये भी उपकरण क्या है कि मान लीजिए पूर्व में कोई भी प्रिंटेड कोड है तो उस कोड को पढ़ने के लिए काम आता है, कोई भी बारकोड है तो उस बारकोड को पढ़ने में काम आता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखना, बीसीआर का मतलब बारकोड होता है, उसको पढ़ने के लिए काम आता है। इसके अंदर भी कहते हैं कि ऐसा एक सिस्टम होता है जो बार कोड को इंटर करता है, और उसका बार कोड हर का अलग अलग होता है, जैसे कोई बड़ी मार्केट है या फिर कोई बड़ी दुकान है तो वहां पर इस तरह से बार कोड को आप स्कैन करके हो सकता है कि कई बार आजकल तो आपको पता है फोन पे में भी जो बार कोड आता है, जो भी इसका जो क्यूआर कोड आता है जिसको अपन क्यूआर कोड बोलते हैं, तो इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करते हो तो वो क्यूआर कोड आपके खाते से लिंक रहता है, खाते उसका बंद होता है उसी हिसाब से उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर कोई पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सब चीजें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, बार कोड रीडर आप ध्यान रखना, सिंपल सा है, बार कोड पढ़ने में काम आता है। ठीक, इसके बाद अगला है आपका वेब कैम, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेब कैम, हेडिंग डालिए वेब कैम।
वेब कैमरा ठीक है। अब वेब कैम क्या होता है ये आपको पता है, कईयों ने आधार बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तो आपको पता है जहां से अपनी इमेज लेते हैं कंप्यूटर के अंदर इमेज लेते हैं, तो इमेज लेने के लिए क्या काम होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपना एक कैमरा है, छोटा सा कैमरा होता है जिसके माध्यम से क्या ली जाती है तस्वीर ली, तो वो होता है आपका वेब कैम। सबको पता है, देखा है सबने, कोई दिक्कत नहीं है। वेब कैम छोटा सा कैमरा होता है, इसके अंदर इमेज को अपन एक्सेस करते हैं, इसके अंदर इमेज को लेते हैं और इमेज को आपको पता है इसके अंदर सिग्नल के द्वारा ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होता है। तो कहने का मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, इमेज ली जाती है वेब कैम, ठीक है। तो आपको वेब कैम का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी इनपुट डिवाइसेस, इसमें आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सबको आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमने ऑप्टिकल स्कैनर देखा, VCR देखा, हमने माउस देखा, टच स्क्रीन तो पता ही आपको उसी टाइप से होती है। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे अभी डिजिटल बोर्ड आ गए, आजकल क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गए। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में क्या होता है आपको पता है, जैसे एक जैसे पेन के माध्यम से या अंगुली से भी इसको चला सकते हो, अंगुली से आप जैसे टच करोगे तो जो जिस कलर में जो होगा नाम लिखोगे नाम बोर्ड पे प्रदर्शित हो जाएगा, उसी टाइप से डिजिटल बोर्ड भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप एक पॉइंट के माध्यम से जैसे अंगुली से या फिर कोई पेन से आप इसको चलाते हो या फिर लाइव पेन से इसको चलाते हो तो उस टाइप से है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है, आपकी सारी चीज डेली लाइफ में एवरीडे लाइफ में आप इसको यूज करते हो, तो मेरे हिसाब से इसको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। VCR की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिए, कभी कभार पूछ ले बात बहुत क्लियर क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अपन आउटपुट उपकरण की बात करते हैं, इनपुट के सारे मैंने देखे, ये सारे अच्छे से याद रखना। एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं पूछेंगे कौन कौन से, आपको बताए ये नहीं बताएंगे कि भाई ये काम कैसे करता है, कंप्यूटर के अंदर ये माउस किस तरह से कार्य करता है, ये चीजें नहीं पूछी जाती, ये प्रैक्टिकल चीजें होती है। एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा, आपको यहीं तक मैं बता रहा हूँ, वर्तमान समय में यही ट्रेंड है कि कंप्यूटर के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी कई ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो उनको आते हैं, तो आपको ज्यादा इसका पीएचडी नहीं करना है कि कंप्यूटर के अंदर आपको पीएचडी नहीं करनी है, और पीएचडी करने जाएंगे तो फिर कंप्यूटर पूरा ही नहीं होगा, फिर तो पीएचडी सीनियर आप अच्छे लेवल लो लेवल में उनमें भाग ले लीजिए। तो कोई बात, अपनों को सामान्य जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉर्मल आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर काम करता है, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, सारी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब आउटपुट देखिए, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है देखिए, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पहली डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। हेडिंग डालिए आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले, हेडिंग डालिए मॉनिटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका मॉनिटर, बहुत ही महत्वपूर्ण आउटपुट इकाई के अंदर है, आपको ध्यान रखना है मॉनिटर। मॉनिटर हाँ, मॉनिटर को आप प्रदर्शित कीजिए मॉनिटर। चलिए मॉनिटर की बात करूं, वेब कैम आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो आप इस तरह का ये कैमरा है, वेब कैम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पीएचडी नहीं करनी है कि पीएचडी करने लग जाएंगे तो पटवारी का एग्जाम कैसे देंगे, पटवारी का देना है अपन को केवल सिंपल कंप्यूटर की जानकारी हासिल करनी है, आपकी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ये गारंटी है। मैं आपको बस कांस्टेबल टारगेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया संजय, कांस्टेबल नहीं है अपना टारगेट, बहुत लंबा है आपको, मैं सब इंस्पेक्टर भी बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर भी बनाऊंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, TSP से मैं सब इंस्पेक्टर भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप विश्वास रखिए सब चीजें हासिल हो जाएगी, दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल जो करते आदमी करता है यार, और कोई करता, कौन थोड़ी करता है, करने वाला कौन होता है, अरे एग्जाम में टॉप रैंक आता वो भी तो एक मनुष्य होता है यार, वो कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने इसको अलग से बनाया है, ठीक है, कोई अलग जैसा ऐसा कुछ नहीं है, वो भी क्या अपने जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहिए, आप अपने आप को, अपने आप को बेस्ट मानिए, दुनिया का सबसे बेस्ट हूं तो मैं ही हूं, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है, तो खुद को बेस्ट मानिए, जो भी अपन क्या है किसी का उदाहरण देते वो फलाना इतना इंटेलिजेंट है, मैं कुछ नहीं हूं, खुद को कोशिश हो, जो भी आपके अंदर कमियां हैं कमियों को दूर करिए, आप भी उसके जैसे बन जाओगे, आप वो कभी किसी को न तो नीचे दिखाना है न ऊपर दिखाना है, खुद को बेस्ट मानना है, मैं हूं तो मैं ही हूं बस, ठीक है। चलिए तो
मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर आपको पता है केबल के माध्यम से सीपीयू से कनेक्ट रहता है, ये सब पता आपको, ये केबल के माध्यम से किससे कनेक्ट रहता है, सीपीयू से, ठीक है। और मॉनिटर के स्क्रीन पर जो भी सूचना होती है उसको ये जैसे अपन कोई भी चीज अपन को देखती है तो सूचना आउटपुट के रूप में नजर आती है इसी के अंदर। और एक चीज ध्यान देना कि इसकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर फास्ट फोर्स का लेयर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉनिटर पर फास्ट फोर्स का लेयर होता है, ये महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फास्ट फोर्स का लेयर होता है, क्योंकि एग्जामिनर जीके का ही होगा तो जीके के हिसाब से पेपर बनाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसकी स्क्रीन के ऊपर फास्ट फोर्स का लेयर रहेगा। अब आपको पता है कि मॉनिटर दो प्रकार, एक पुराना मॉनिटर जो आज अपन कम नजर आता है बड़ी बड़ी ऑफिसों में, बहुत पुराना जो पीछे से बहुत बड़ा भारी वर्णम होता है वो मॉनिटर देखिए, एक वर्तमान में जो एलसीडी आ गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत ही सिंपल सी पतली सी एलसीडी, और एक उस जमाने का कंप्यूटर आपको मॉनिटर नजर आता था तो उठाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए, इतना भारी होता था। आज इतनी हल्की स्क्रीन आ गई है, बिल्कुल पतली स्क्रीन आ गई है, कम जगह घेरती है, दीवार पे कहीं लटका दो जैसे टीवी है, या फिर आज अपन मॉनिटर के रूप में जो एलसीडी यूज करते हैं वो भी बिल्कुल पतली होती है। तो कहने का मतलब है इतनी पोर्टेबल आ गई है कि आप इसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हो आराम से, नहीं तो वो उस जमाने का जो कंप्यूटर था उस जमाने की टेक्नोलॉजी पे था, लेकिन वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार एलसीडी आ गई, उसके अंदर रॉ मेटेरियल ज्यादा यूज होता था। तो आज में क्या होता है, आज के संदर्भ में आपको पता है कि गाड़ियों को देख लो, कोई भी उपकरण देख लीजिए, तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, उसको बनाने की जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, वर्तमान संदर्भ में कहते हैं कि ज्यादा रॉ मटेरियल, कम से कम मटेरियल यूज करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो एलसीडी मॉनिटर होता है, एक एलसीडी, इसकी एलसीडी टाइप देखो, एक तो उस जमाने का बहुत बड़ा होता था, एक एलसीडी है, इसके प्रकार में अपने मॉनिटर में सबसे इंपॉर्टेंट एलसीडी, सबसे पहले एलसीडी फुल फॉर्म देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या फुल फॉर्म होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देखिए इधर लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो इंपॉर्टेंट है एलसीडी की फुल फॉर्म, ध्यान रखिए। अब नाम से स्पष्ट पता चल रहा है इसके अंदर क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, लिक्विड, देखिए इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ध्यान रखिए इसके अंदर क्या भरा रहता है, लिक्विड। अब आप कहोगे सर लिक्विड भरा रहता है तो काम कैसे करते हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि इसके अंदर क्या होता है, कि एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर लिक्विड जो भरा रहता है, लिक्विड के अंदर आपको पता है इसके अंदर दो प्रकार, इसके मूल जो है ना लिक्विड द्रव भरा रहता है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक पैसिव मैट्रिक्स होता है, दूसरा एक्टिव मैट्रिक्स होता है। देखिए एलसीडी के दो प्रकार, एक होता पैसिव मैट्रिक्स, दूसरा एक्टिव मैट्रिक्स, देखिए पैसिव मैट्रिक्स और दूसरा होता एक्टिव मैट्रिक्स, पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा समझिए, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक्टिव मैट्रिक्स, पैसिव मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पैसिव मैट्रिक्स होता है, ये मॉनिटर पे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर होता है उसको स्कैन करके उसका निर्माण करता है, मतलब क्या है, पूरी स्क्रीन को स्कैन करके तस्वीर का निर्माण करता है। देखिए ध्यान रखिए पूरी तस्वीर पर ये क्या करता है, दोनों का काम यही है, यानी क्या करता है, दोनों क्या काम करते हैं कि स्क्रीन पर यानी तस्वीर का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, तस्वीर का निर्माण। कोई भी जब आपको पता है जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, एक जमाने की बात है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कभी कभार क्या रहता है, अपने ऊपर से एंटीना हिल जाता था, तो अपने क्या करते हैं, एंटीना हिलाते, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो मधुमक्खी टाइप टीवी दिखती थी,
तो वही आप उसको समझिए, इमेज का निर्माण नहीं बनता था, इमेज ऐसी तरह से बनती नहीं, तो सिग्नल नहीं मिलता था, तो इमेज बन नहीं पाती थी। तो मैं इन दोनों का क्या काम है, तस्वीर का निर्माण करना, स्क्रीन के ऊपर क्या निर्माण करना, तस्वीर का। और एक्टिव का मतलब है जब तस्वीर साफ होती है, क्या ज्यादा साफ होती है, ज्यादा साफ दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट क्लियर नजर आती है। और पैसिव है उस जमाने की टीवी ब्लैक एंड व्हाइट, या साफ, ज्यादा साफ नहीं दिखती, ज्यादा साफ नजर नहीं आती, या ज्यादा साफ नहीं दिखती भाई। तो आपको यही ध्यान रखना, एलसीडी दो प्रकार की, एक है एक्टिव मैट्रिक्स, दूसरा पैसिव। दोनों का काम क्या है कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर तस्वीर का निर्माण करना। और तस्वीर बनती है तो तस्वीर बनाने में एक्टिव का मतलब होता है ज्यादा स्पष्ट दिखती है तस्वीर, और पैसिव का मतलब इतनी स्पष्ट नजर नहीं आती। तो मॉनिटर में सबसे पहले हमने एलसीडी देखा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या भरा रहता, लिक्विड भरा रहता। दो प्रकार देखे हमने, एक एक्टिव मैट्रिक्स, दूसरा पैसिव मैट्रिक्स, ये आप जरूर ध्यान दें, ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स और पैसिव मैट्रिक्स। चलिए, इसी तरह से जो पुराने जमाने का जो आपका होता था जो मॉनिटर, उस मॉनिटर को किस पर आधारित मान सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, उस मॉनिटर को आपको कैथोड रे ट्यूब पर मान सकते हैं, ठीक है। अब कैथोड रे ट्यूब क्या करती है, आपको पता है कि जो भी फोटो, जो भी तस्वीर उसको बनाना होता है, तो वो क्या करती थी, किरणें डालती थी तस्वीर पर मॉनिटर में, और वहां से क्या बनती थी, इमेज बनती थी। तो यह ध्यान रखना, जो पुराने जमाने का जो मॉनिटर होता था वो किस पर आधारित होता था, कैथोड रे ट्यूब पर, ध्यान रखिए, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एक ऐसी ट्यूब होती थी जिसमें से कौन सी किरणें निकलती, कैथोड किरण, आपको पता है, इसी वजह से उसकी पीछे वाला पार्ट बहुत बड़ा होता था। तो पीछे से आपने कभी टीवी को तोड़ते हुए देखा होगा, जिस तरह से आपका माइक होता है, या फिर आपका जो जब आपने माइक देखा होगा, या फिर आपके पास में जो भी कोई है, उसमें क्या होता है, चुंबक की चुंबक लगी रहती है, और वहां से कैथोड किरण निकलती है, और किरणें क्या करती है, डिस्प्ले पर सीधी पड़ती है, तो तस्वीर नजर आती है, किरणों से ही क्या आती है, तस्वीर आपने देखते हैं। जैसे आपका, जैसे अभी कभी पिक्चर हॉल में गए होंगे, तो पिक्चर हॉल में पीछे से क्या डालते हैं, पर्दे के ऊपर किरणें पड़ती है, जो पीछे बिल्कुल सूक्ष्म होता है, पर्दे में उसको बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है, उसी टाइप से इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, जो क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जो भी तस्वीर है, चित्र है, फोटो जो भी है, उसको क्या करती है, प्रदर्शित। वो है आपका पुराना वाला जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर, और वर्तमान में जो मॉनिटर है वो आपका एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आपका मॉनिटर है, आउटपुट के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको मॉनिटर नजर आ रही है, आपको दिख रही है, तो इसी टाइप से, ठीक है, ज्यादा इसके अंदर आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन अगला जो बात करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर, इसके अंदर कई प्रकार होते हैं, परीक्षा के अंदर प्रिंटर का प्रकार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो स्पीकर आप जानते हो, तो ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ज्यादा इसके अंदर पूछना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्टिव पैसिव जरूर ध्यान देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जयपाल पालीवाल लिखते हैं एलसीडी की बेड लेड आगे होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एलसीडी आप देखो, इसके अंदर कोई इतना वो नहीं है। अर्जुन सिंह लिख रहे हैं एलसीडी एंड एलईडी, एलईडी अलग है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये अलग है, ठीक है, एलसीडी और एलईडी दोनों अलग है, ठीक है, बताएंगे आपको सारी चीजें, आपके होगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए, अब अपन बात करते हैं प्रिंटर की, और प्रिंटर के जो प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी, एलसीडी और एलईडी, ध्यान रखिए, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी और एलईडी, ये दोनों अलग, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है आपका प्रिंटर, प्रिंटर देखिए, प्रिंटर की बात करूं, आप सबको पता है प्रिंटर, आप देख रहे हो प्रिंटर। अब प्रिंटर की सबको पता है ये आउटपुट डिवाइसेस है, और प्रिंटर के माध्यम से अपन कोई भी कॉपी उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, आउटपुट के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रिंटर की जो प्रकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तकनीक पे काम करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले अपने प्रिंटर की बात करें तो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। व्हाट इज अ प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपको नाम से इसमें पता चल रहा है प्रिंटर के अंदर प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला प्रकार देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, आपको नाम से पता चल गया है ये कैसा प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। आपको पता है कि आज से आप लगभग 50 साल पहले देखिए, पहले क्या होता था जो नाम आते थे ना इस तरफ से ऐसे आते, जैसे देखिए जैसे नाम लिखना है आपके किसी का नाम लिखना, जैसे मान लीजिए क्या लिखना है तो डॉट मैट्रिक प्रिंट क्या करेगा इंपैक्ट है ये क्या डालेगा भार डालेगा इस तरह से। ये जो मैंने क्या लिखा है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट है। कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी इंपैक्ट प्रिंटर है, यानी क्या करेगा यानी किसी भी कोई भी जब आपको अक्षर की सफाई करनी है अक्षर को छापना है तो उसमें क्या करेगा डॉट डॉट पैटर्न पे होगा, ठीक है, यानी डॉट पे आगे उसके आगे जब सही लगती रहेगी और डॉट जैसे ही आपके पड़ेगा उसके ऊपर पेज के ऊपर तो उसके ऊपर डॉट क्लियर स्पष्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सही लगेगी, सही लगने के बाद डॉट जैसे ही टच होगा पेपर के तो उसके ऊपर डॉट क्लियर हो जाएगा, यानी डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में आप कोई भी नाम जैसे मैंने क्या लिखा तो क्या इसी टाइप से है, तो यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर क्या होगा पूरा का पूरा डॉट है। ये जो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन ऊपर ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं है, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है, वर्तमान में जो प्रिंटर वो है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जैसे आप अपनी आठवीं की मार्कशीट देख लो, कौन सी क्लास की? आठवीं क्लास की, आपके सारे नाम वगैरह वगैरह पुराने जमाने की बात कर रहा हूं तो उसमें सारे नाम वगैरह वगैरह बोर्ड की मार्कशीट देखना तो उसके अंदर क्या होता है प्रत्येक नोट के रूप में प्रिंट होता है, ठीक है। आप अपनी आठवीं की मार्कशीट देखना जिसने 2010 से पहले आठवीं की है, सॉरी 2005-06 के आसपास उस समय मार्कशीट आती थी ना, आज मेरे हिसाब से 10वीं की मार्कशीट 12वीं की भी इसी तरह से, आजकल थोड़े से नाम वाले प्रिंटर होने लग गए लेकिन पहले क्या आता था डॉट मैट्रिक्स आता था, सारे डॉट डॉट में नाम होता, जैसे किसी का नाम भूपेंद्र है तो भूपेंद्र पूरा डॉट में होता था, ठीक है। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये पुरानी टेक्नोलॉजी का था, वर्तमान में लेजर प्रिंटर सबको क्या कर दिया फेल कर दिया, सबसे बेस्ट प्रिंटर है वो आपको लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए तो डॉट मैट्रिक्स आप समझ गए, इसके अंदर क्या होता है सारे डॉट होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट के माध्यम से सारी आकृति या जो भी टेक्स्ट को आपको प्रिंट करना है टेक्स्ट को रूप देना है तो सारा डॉट डॉट पर आधारित होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कोई क्लियर इसमें आपको ज्यादा समझाने की चीज है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको ध्यान रखें। अगला प्रिंटर लिखिए इंक जेट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर? इंक जेट प्रिंटर। सेकेंड है आपका इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। सेकेंड है आपका इंक जेट प्रिंटर। अब देखिए आपको पता है इंक जेट, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे आपको करेक्टर लिखना है तो इसके अंदर क्या आता है ये नॉन इंपैक्ट है, ध्यान रखिए डॉट मैट्रिक क्या है इंपैक्ट है, ये लिख लीजिए आप ध्यान रखिए। इंपैक्ट का मतलब है इसके अंदर जैसे मान लीजिए इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए इसके ऊपर जोर लग करके कोई भी करेक्टर प्रिंट होता है, जैसे कोई सिंबल या कोई अक्षर आपको टाइप करना है प्रिंट करना तो जोर लगता है, लेकिन इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं है, ये नॉन इंपैक्ट है। कैसा है? नॉन इंपैक्ट। ये कैसा प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है एक ऐसा जेट होता है जिसमें क्या होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, देखिए ना एक ऐसा जेट होता है इंक जेट, नाम क्या है इंक जेट, इसके अंदर एक ऐसा जेट होता है, उस जेट में क्या होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक ऐसा जेट होता है नाम क्या इंक जेट, यानी एक ऐसा जेट जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें सही भरी रहती है, क्या भरी रहती है सही, ध्यान रखिए एक ऐसा जेट जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते सही भरी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी करेक्टर प्रिंट करना है तो आपको पता है जैसे ही प्रिंट करना है जो अक्षर प्रिंट करना है जैसे ही जो अक्षर प्रिंट करना है उसमें से इस जेट में से सही निकलती है
और उस अक्षर पर पड़ती है, अक्षर क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। देखिए इसकी तकनीक अपन पास में जाएंगे, खुद हाथ से करेंगे तो पता चलेगा। बाकी इसमें क्या होता है, जेड के अंदर साई भरी रहती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और प्रिंट होने वाला जो अक्षर है कागज पर, साई की बूंद जैसे ही बूंद के रूप में इसके ऊपर क्या करता है, स्प्रे करता है। यदि ऊपर से इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र से इसके ऊपर क्या होता है, स्प्रे होता है। और जैसे ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो अक्षर आपका प्रिंट होना है, जो अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र से उसके ऊपर साई गिरती है। क्या करती है, साई गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी ही है इंक जेट। आपको ध्यान रखना है एक जेट होगा, जेट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सही भरी रहती है और जो करेक्टर प्रिंट करना होता है उसके ऊपर क्या गिरती, सही गिरती है, वो अक्सर प्रिंट हो जाता है। ये आपका इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। बाकी ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में वर्तमान संदर्भ में जो प्रिंटर है वो आपका है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंटर है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एक मिनट में बहुत ज्यादा कॉपी कर सकता है, सब कुछ है। इसलिए वर्तमान में जो काम करता है वो कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो कार्य करता है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, तो वर्तमान के अंदर जो प्रिंटर का जो भाग है वो है आपका कौन सा है, लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सा कार्य करता है, लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर आपको पता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है और ये लेजर तकनीक पर आधारित होता है। और आपको पता है इसके अंदर भी क्या होता है, एक छोटी सी ड्रम ड्रम टाइप की आकृति होती है, गोल गोल आकृति, उसके ऊपर जैसे ही पेपर घूमता है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंक पेपर पर अंकित हो जाती है और वो क्या हो जाता है, पेपर पूरा स्केल हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये पूरा पूरा ड्रम टाइप की आकृति होती है, उसके ऊपर पेपर जब रोल करता है घूमता है तो उसके साथ साथ सही उसके ऊपर लग जाती है और प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो लेजर तकनीक पर आधारित है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और कहते हैं कि एक मिनट के अंदर कई सारे पेजेस को ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इसकी स्पीड बहुत बढ़िया होती है, एक मिनट में आप 20 कॉपी 30 कॉपी जितनी बढ़िया, इसकी सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होती है वो लेजर प्रिंटर की होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रिंटर के अंदर तीन महत्वपूर्ण भाग बताए, एक तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी डॉट 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 आकृति होगी इसके अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, किसी भी पेज के ऊपर इसका भार लगता है, ठीक है, उसके बाद में अक्सर प्रिंट होते हैं। उसके बाद में इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट में क्या होता है, जेट होता है, जेट में साई भरी रहती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो अक्सर प्रिंट होना होता है उसके ऊपर साई गिरती और प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका लेजर प्रिंटर होता है वो आपका आधुनिक टेक्नोलॉजी का होता है, लेजर किरणों पर आधारित होता है और उसके अंदर सबसे बेस्ट आपकी क्वालिटी होती है वो इस लेजर प्रिंटर की होती है और स्पीड भी बढ़िया होती है, आप कई मिनट के अंदर कई सारी कॉपी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है इसके प्रिंटर के। परीक्षा के अंदर कोई एक साथ आपको पूछ ले कि कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, जयपाल बालीवाल कमेंट कर रहे हैं कार्टेज, बिल्कुल सही कार्टेज होता है जिसके अंदर सही भरी रहती है उसी टाइम से, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है प्रिंटर के तीन, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आउटपुट और इनपुट के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, ज्यादा आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप पेपर उठा कर देख लेना, आपको पेपर नजर आएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस, आपको यही नहीं पूछते कि लेजर काम कैसे करता है, इंकजेट काम कैसे करता है, डॉट मैट्रिक्स काम कैसे करता है, कोई नहीं पूछता, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से इसको केवल नाम ध्यान रख लीजिए, आपका एग्जाम का क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन आते हैं। आरएससीईटी एग्जाम होता है उसमें फिर भी पेपर थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी होती है उसमें, लेकिन एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2015 के बाद में इस कंप्यूटर को ऐड किया है, तो 15 के बाद में जितने भी पेपर देखे मैंने, सारे पेपर बिल्कुल इजी आते हैं, कंप्यूटर बहुत इजी आता है। कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, जीके में उलझ जाते हैं, पीछे कंप्यूटर रहता है, छूट जाता है, ऐसा नहीं करें। आप कंप्यूटर जिसकी भी बढ़िया है तो आप पहले जाकर 15 क्वेश्चन आराम से करके बोले फिलअप कर दीजिए, ताकि आत्म संतुष्टि हो जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल है, अपने आप बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो आज की क्लास इनपुट आउटपुट आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी अगली क्लास के अंदर हम लेके आएंगे सॉफ्टवेयर, पढ़ेंगे
मल्टीमीडिया पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन की क्लास रखूंगा इस चैप्टर में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर, इसके ऊपर क्या रखेंगे, क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, बहुत 20-30-50 क्वेश्चन में रखूंगा। अपन क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि एग्जाम किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे रूम करेंगे, एमएस वर्ड में जाएंगे, एमएस एक्सेल में जाएंगे, एमएस पावर पॉइंट पर, तीनों बहुत ही मेजर है। और लास्ट में अपन देखेंगे शॉर्टकट की कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा फुल फॉर्म कौन कौन सी याद करनी, वो सारी अपन लास्ट की एक दो क्लास रखेंगे। और फिर आप कंप्यूटर को अच्छे से आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी पूछे जाते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं शॉर्टकट की सारी आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर की टेंशन छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी थोड़े समय बाद मैं हिस्ट्री की क्लास आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए हिस्ट्री के लिए। यदि खाना खाना तो खाना खाकर आराम से 10-15 मिनट में आप हिस्ट्री की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।